मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत कॉमन परेशानी, पेट में गैस का बनना, पेट में जलन होना, दर्द होना, जिसको हम अंग्रेजी में एसिडिटी और इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं। एसिडिटी एक बहुत कॉमन बीमारी है, गैस बनना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, और हम सभी लोग इस बीमारी से कभी ना कभी पीड़ित होते ही हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले हमको पेट में ऊपर की तरफ जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होती है, और जब ये जलन ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारे सीने में ऊपर की तरफ आने लगती है। हमको सीने में जलन होता है, दर्द होता है, और ये जब ऊपर की तरफ होती है तो हमको कंटिन्यूस खांसी आती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि खांसी बनने का एक प्रमुख कारण हमारे पेट की एसिडिटी होती है। इसके साथ जब गैस ज़्यादा बनने लगती है, एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो हमारा पेट फूलने लगता है, हमारा जी मिचलाने लगता है, हमको उबकाई आने लगती है, उल्टी आने लगती है, हमारे सिर में दर्द हो जाता है, बदन में दर्द हो जाता है, हमको बेचैनी होने लगती है, हिचकी आने लगती है, सिर में पेट में दर्द महसूस होता है, और जब ये लंबे समय तक रहता है तो हमको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज भी बन जाता है। तो ये सब इसके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, और जो इसका जो मेन कारण है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसका अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो परमानेंट इलाज के लिए आपको अपने जीवन शैली में, अपने खाने पीने में परिवर्तन करना होगा। जो इसका मेन कारण है वो होता है हमारी हरी वरी एंड करी, और जीवन शैली में हमको जब हम चेंज करेंगे तब हम चेंज करके अपनी एसिडिटी से, गैस से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे आचार, हमारे आहार, हमारा विहार, हमारे विचार, इन सबको हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, और इस परिवर्तन से ही हम एसिडिटी और गैस से परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं। अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि हमको क्या सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे पहला है एलोवेरा जूस। अगर खाना खाने से पहले आप 4 चम्मच, आधा घंटे पहले 4 चम्मच एलोवेरा का जूस ले लें, तो आपको एसिडिटी ख़त्म करने में, गैस ख़त्म करने में ये बहुत ही लाभदायक रहता है। अगर आप साथ में थोड़ा सा व्हीट ग्रास जूस ले लें तो बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है, तो खाना खाने के आधे घंटे बाद 4 चम्मच एलोवेरा का जूस ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैं आपको ये नेचुरल तरीके बता रहा हूँ, ये सब हमारे किचन में हमको मिल जाएंगे। हमारा किचन, हमारी रसोई एक रसोई नहीं है, ये बेसिकली एक केमिस्ट शॉप है। अंग्रेजी दवाई खाने की जगह अगर हम अपने किचन में जो मसाले हैं, जो औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग करेंगे तो हमको कष्ट ज़्यादा समय तक और परमानेंटली हम ठीक हो सकते हैं। तो इसमें सेकेंड नंबर आता है अजवाइन का। अगर हम थोड़ी सी अजवाइन भून के और उसमें काला नमक मिलाकर खाना खाने के बाद लेंगे तो बहुत ही अच्छी ये डाइजेस्टेंट की तरह काम करती है और एसिडिटी को ख़त्म करती है। जब भी आप अजवाइन का प्रयोग करें उसके संग थोड़े से काले नमक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि जो अजवाइन की जो थोड़े से दुष्प्रभाव होते हैं वो काले नमक से सही हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड उपाय है जीरा। जीरे का बहुत ही उपयोग, अच्छा उपयोग है हमारी एसिडिटी के लिए। 1 चम्मच जीरे को आप 1 गिलास पानी में उबाल लें, और 4-5 मिनट उबालने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें भी आप थोड़ा सा काला नमक मिला लें। उबालते समय अगर आप थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मिला के घिस के डाल दें तो वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो अजवाइन के बाद मैंने बताया आपको जीरा, इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। जिस समय आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है आप जीरे का प्रयोग करके देखें, आप कभी भी दवाई खाना भूल जाएंगे और हमेशा जीरे का प्रयोग ही करेंगे। इसके बाद छाछ बहुत अच्छा रहता है। छाछ में अगर आप भुना जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी भुनी अजवाइन और थोड़ी सी हींग मिला लेंगे तो आपके सभी पेट रोगों के लिए इसका बहुत ही अच्छा रोल है। धनिया का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। या तो आप जो हरा धनिया है वो ले सकते हैं, या धनिया के बीज ले सकते हैं, उनको आप 5-10 मिनट उबाल लें और जब वो ठंडा हो जाए तो उसका आप सेवन करें। ये भी आपकी गैस के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस समय आपको एसिडिटी हो रही हो उस समय आप केले का प्रयोग करें।
केले का प्रयोग भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा दो दवाइयाँ हैं, अविपत्तिकर चूर्ण जो आप 100 ग्राम ले लें और मुक्ता सुक्ति भस्म ये 10 ग्राम ले लें। इन दोनों को अच्छी तरह मिला लें और इसमें से इस चूर्ण में मिश्रण में से एक एक चम्मच खाना खाने से आधे घंटे पहले आप लें तो आपकी एसिडिटी है उसको ये ख़त्म करता जाए। खाना खाने के बाद सौंफ का प्रयोग करें। आपने देखा होगा कई रेस्टोरेंट्स में सौंफ और मिश्री रखी रहती है, तो सौंफ लें और मिश्री भी ले सकते हैं, जो मिश्री वाली लें जिसमें कि धागा होता है। खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ का प्रयोग करेंगे वो भी एसिडिटी को कम करने में अच्छा रहता है। नाश्ते में पपीते का सेवन करें। पपीते का सेवन नाश्ते के साथ बहुत अच्छा रहता है, एसिडिटी को कम करता है। अनार और आंवला को छोड़कर अन्य खट्टे फलों से परहेज करें। अनार और आंवला आप ले सकते हैं। सौंफ, आंवला और गुलाब के फूलों का चूर्ण बनाकर आधा चम्मच सुबह शाम लें, ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 5-7 गिलोय की जड़ ले लें, उनके टुकड़े पानी में उबाल लें और इसको गुनगुनाकर पिए, ये एसिडिटी में रामबाण की तरह काम करती है। अजवाइन, जैसे मैंने बताया था, अजवाइन का पानी आप ले सकते हैं। एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच अजवाइन डालकर उबाल लें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं, बहुत ही अच्छी एसिडिटी के लिए दवाई रहती है। एसिडिटी का नेचुरल परमानेंट सॉल्यूशन है बाय रिमूविंग हरी वरी एंड करी फ्रॉम योर लाइफ। हरी का क्या मतलब है कि हर समय जल्दी में रहना, हर समय स्ट्रेस में रहना। आपको ऑफिस में वर्क ख़त्म करने के लिए डेडलाइन मिली हुई है कि आपको ये काम करना ही करना है, या आपको अपने पर्सनल कोई आपको डेडलाइन कोई वर्क ख़त्म करने की आपको कि हमको ये काम करना ही करना है। तो जब आपके पास डेडलाइन हो जाती है तो आपका जो शरीर है वो स्ट्रेस में आ जाता है। आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हमको कोई भी काम करना हो आप बैठ के आराम से खाना नहीं खाते हैं, जबकि आयुर्वेद के हिसाब से आपको अपने हाथ से खाना खाना चाहिए। खाने का विचार आते ही आपके शरीर में आपके मुंह में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ख़ासतौर से कार्बोहाइड्रेट्स का, जो हमारा थूक निकलता है सलाइवा निकलता है वो खाने को पचाना शुरू कर देता है। जैसे ही हम खाने को हाथ से छूते हैं सलाइवा और जूस हमारे शरीर में से निकलने लगते हैं, हमारे आमाशय में निकलने लगते हैं जो खाने को पचाते हैं। हमेशा बैठ कर पिए, बैठ कर खाना खाएं और अपने जिस तरह से हम खाना खाते समय आगे झुकते हैं इस तरह से आप झुकेंगे तो आपके लिए एसिडिटी ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा खाने को धीरे धीरे खाएं, अच्छी तरह चबा कर खाएं, क्योंकि अगर आप खाने को अच्छी तरह चबाते हैं तभी उसका कार्बोहाइड्रेट पूरी अच्छी तरह से पचता है। पहले तो कहते थे कि हर एक कौर को हमें 32 बार चबाना चाहिए, जो कि हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है वरी, और वरी भी जो मेन कारण है हमारे स्ट्रेस का, और जब हमको स्ट्रेस होता है तो हमारा जो एसिडिटी होती है बढ़ती चली जाती है, गैस फॉर्मेशन होती चली जाती है। चाहे आपको वर्क प्लेस पर वरी हो, वर्क प्लेस पर तनाव हो, या आपके घर पर तनाव हो, आपके रिश्तों में तनाव हो, और कभी कभी हमने देखा है कि हमको घूमने फिरने का एन्जॉयमेंट करने का भी तनाव हो जाता है। तो तनाव किसी भी तरह का हो, बच्चों से तनाव हो, माता पिता से तनाव हो, या पति पत्नी का तनाव हो, और रिश्तों का तनाव हो, या वर्क प्लेस पर अपने सीनियर से जूनियर से आपको तनाव हो, मैनेजमेंट से तनाव हो, तो ये सारा तनाव आपके शरीर में एसिडिटी को क्रिएट करता है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है करी, और ये करी होता है हमको ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से, पैकेज फूड खाने से, ज़्यादा चीनी खाने से। तो इन जो भी ये सफ़ेद जहर है ये अपनी लाइफ से कम करिए। मैदा, चीनी और नमक जितना कम से कम हो उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। तेल और घी में केवल सरसों का तेल और देसी गाय का देसी घी प्रयोग करें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। जितने भी तरह के फास्ट फूड हैं उनका त्याग कर दें। पूरी, पराठे, समोसे, कचौड़ी, दाल मोठ, नमकीन, मिठाई, चाट, मैदा, मैगी, मोमो, मिर्च मसाले, इन सब का त्याग कर दें। अपने वजन को कम करें, कम से कम 10-15% अपने वजन को कम करें, धीरे धीरे कम करें, 0.5 से 1 kg पर वीक।
कम से कम 3 लीटर पानी का प्रयोग करें दिन भर में, जिसमें से 3 से 4 गिलास पानी सुबह उठ के पिए। गुनगुना पानी पीना है, बैठ के पीना है और घूट घूट करके पीना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद सोएं, खाना खाते ही ना सोएं। अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हो तो उन ड्रग्स का प्रयोग डॉक्टर के हिसाब से पूछकर कम से कम कर दें या उन्हें बंद कर दें। आशा है आपको सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। थैंक यू।